मंदिर चंद लोगों के लिए राम मंदिर है, हम लोग जाएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, उस चढ़ावा से वहाँ के बाबा जो है बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रवचन देंगे, बाकी उनसे पेट थोड़ी हमारा हमारे समाज का भरेगा। हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारा संविधान चाहिए। विकास का एक मुद्दा आया था, पहले चला विकास, वो जाने विकास कब पैदा हुआ, हमें लगता है कि पता नहीं कितना साल लगेगा उस विकास को पैदा होने में, आज तक नहीं। आज हमें कर्पूरी जी की संघर्षों की वजह आज हमें समाज में सम्मान मिल रहा है, वंचितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यक पिछड़ों को। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है उर्मिला यादव जी, क्या कहेंगे कर्पूरी जी के जीवन शैली को कैसे देखते हैं? कर्पूरी जी की जीवन शैली को हम एक सादा जीवन उच्च विचार के रूप में देखते हैं, और गरीब शोषित वंचित लोगों के लड़ते हुए उन्हें अपने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे लालू जी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी हमारे वंचित समाज के मसीहा थे, और उनके आदर्शों को आज दिए हुए जो उनके बिल है आरक्षण थे, आज हमारे नेता जो उसको लागू कर रहे हैं, और हमको जो समाज में सम्मान मिला उस सम्मान के रूप में देखते हैं कि आज हमें कर्पूरी जी की संघर्षों की वजह आज हमें समाज में सम्मान मिल रहा है, वंचितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यक पिछड़ों को। उसी क्रम में हमारे लालू जी आज उस दिशा भी तो सम्मान दे रहे हैं, कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दिए, अब क्या चाहिए? जुमला दे रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। मोदी जी इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ऊंची हो गई है, और हमारे लालू जी तेजस्वी जी की देन है कि आज सामाजिक न्याय के प्रवाह को दे रहे हैं। क्यों? कि उनको लगता है कि हम जब तक इनके बीच नहीं जाएंगे, हम इनके लोगों को सम्मान, हमारा वोट बैंक फिक्स नहीं होगा। क्यों? कि चाहते हैं कि जो लोग हमारे दलित पिछड़े हैं उनको एक सगबाग दिखाया जा रहा है, उस आधार पर उनको दिया जा रहा है। इसके पहले मोदी जी को नहीं याद आया कि उनको हम देश रत्न दे और भारत रत्न दे। तो जब मोदी जी पिछड़ा अति पिछड़ा के सम्मान को देखते हैं तभी ना दिए हैं। अरे भाई 2024 का चुनाव आ रहा है, आखिर वोट बैंक की तैयारी कैसे होगी? अच्छा। ये तो हमें समझना है कि हमें कहाँ जाना है, और ये हमको क्यों लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो लॉलीपॉप देश रत्न भारत रत्न से हमारा समाज नहीं ना विकसित होगा। हमारा समाज विकसित होगा जिस वोट से, जिस गरीब के वोट से तुम राजा, उस गरीब को वोट सामाजिक न्याय के लिए दिया जाएगा, उस वोट से हमको नेता पैदा होगा, उस वोट से हमारा समाज। मतलब मोदी जी वोट की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। 2024 आई तभी उनको याद आया कि उनको हम भारत रत्न दे, और इसके पहले नहीं। कर्पूरी ठाकुर के जो लोग गाली देने वाले थे, जो लालू जी को यहाँ तक पहुँचाने वाले थे, आज उन लोग जब कर्पूरी ठाकुर जी को माला पहना रहे होंगे तो पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। भाजपा भी तो मना रही है, कर्पूरी जयंती मना रही है। अरे भाई कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर, इसके पहले यही बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो लोग कहते थे, आज उनके जो लोग हैं, जो उनके पूर्वज जो कहे हैं, अभी तो मीडिया आपके सामने हम लोग का है, वही कर्पूरी ठाकुर क्या कहते हैं गए कि नौवा का करेगा, तो आज वो नौवा को कैसे सम्मान दे रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, और न हमारे लोगों को हजम हो रही है। इसलिए हम अपने लोगों से कहते हैं कि ये जुमला है, एक सगुफा है, और एक दीवा स्वप्न है, उस दीवा स्वप्न से परे रहा जा, और अपनी आज़ादी, अपने अधिकार, अपने संविधान को बचाने के लिए हमारा समाज एकजुट है, सामाजिक संघर्ष की लड़ाई है, और इस लड़ाई चलती रहेगी। कर्पूरी ठाकुर को चाहे वो भारत रत्न दे या जो रत्न दे, लेकिन जो सामाजिक सोशल जनों की लड़ाई है वो चलती रहे, वही हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य हम लोग जो हमारे लालू जी और तेजस्वी की अगुवाई में चलती है चलती रहेगी, और उसके लिए हमारे लोग तत्परता से खड़े, और वो चाहे जो करे, दिया जलवा ले, क्या करे। अच्छा, क्या नहीं करे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है किस आधार पे इस बार वोटिंग होगा? देखिए इस आधार पर आज देश की जो स्थिति है, बदहाल की स्थिति में है, इन सालों में मोदी जी ने तो ऐसे कुछ काम किया नहीं, न 2 लाख नौकरी, न 15 लाख खाते में,
ना कोई विकास का एक मुद्दा आया था, पहले चला विकास, वो जाने विकास कब पैदा हुआ, हमें लगता है कि पता नहीं कितना साल लगेगा उस विकास को पैदा होने में, आज तक नहीं। अब वो जब जनता के बीच जाएंगे तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए, मुद्दा तो उनके पास नहीं है। तो दिया है ना, राम मंदिर बन गया, अरे तो वो पेट भर जाएगा। राम मंदिर ये बताइए कि वो किसके लिए है? राम मंदिर चंद लोगों के लिए राम मंदिर है, हम लोग जाएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, उस चढ़ावा से वहाँ के बाबा जो है बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रवचन देंगे, बाकी उनसे पेट थोड़ी हमारा हमारे समाज का भरेगा। हमको नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारा संविधान चाहिए, और इसके लड़ने के लिए हम लोग अपने राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष है उनके अगुवाई में तेजस्वी, हम लोग बिहार से उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ये भूल जाएंगे 2024 में आएंगे। क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी जी क्या कहेंगे, उनका बोले थे जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी फलाफ हुआ। राम मंदिर देंगे बोले थे ना, राम मंदिर, राम मंदिर के लिए सुने ना, राम तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च परी है, ओ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, राम मंदिर बन गया ना जी। वहाँ से कितना रोजगार पैदा हुआ, बड़े बड़े होटल्स बने, अरे क्या होटल बना उसे राम मंदिर से। आम वहाँ के जाके देखे हैं, 5,000 लोगों का परिवार जो है वहाँ से पलायन कर गया, लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोग रो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की दुकानें कॉरिडोर बनाने के उसमें, और वहाँ जो जमीनें हैं, जो 2 लाख की जमीनें आज 2 करोड़ में बिक रही है, वहाँ हमारे लोग जाके मॉल बनाएंगे, हमारे लोग वहाँ बिजनेस करेंगे, वो अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए किया जाए, वहाँ गरीब के लिए नहीं है, बड़े बड़े मठाधीशों के लिए किया जाए, हमारी गरीब की जनता जाके केवल हमारे लोग ये कर सकते हैं कि बाहर भिखारियों की लाइन में खड़े करा दे, जब ये स्थिति रहेगी इनकी मोदी जी के तो वही कटोरा लेके और मंदिर के आगे बैठेंगे और वही भिखारी के रूप में कहेंगे दे दो राम दिला दे, यही चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान को कटोरा थमाना चाहते हैं। 2024 में क्या देखते हैं, मोदी जी फिर से आएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन। तो ये कुल मिला के जो बातें थी आने वाले भविष्य की बातें इन्होंने कहा है कि 2024 में क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम बातों को सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।